नमस्कार बच्चों, मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। और मैं आपके लिए लाया हूं टाइम एंड वर्क की वीडियो। टाइम एंड वर्क की वीडियो 13 नंबर पर आप पहुंचे हैं। हम तो आइए समझेंगे हम क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर एक। एक ठेकेदार किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है तथा 25 मजदूरों की सहायता से कार्य पूरा करता है। 24 दिन बाद में पाता है कि कार्य का 1/3 भाग ही पूरा हुआ है, तो बताइए शेष कार्य को निश्चित समय से 4 दिन पहले पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। देखिए M1, D1, H1, Work 2, M2, D2, H2, Work 1। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। देखिए 40 दिन में पूरा करने का ठेका लेता तथा 25 मजदूरों की सहायता से पूरा कर कार्य पूरा करता है और 24 दिन। देखिए M मजदूर 25 और 24 दिन बाद। देखिए 24 दिन ये हमारे दिन हैं और H1 है नहीं, H घंटे नहीं है, तो Work 2 लेना है। तो देखिए 1/3 भाग ही पूरा हुआ है, तो बताइए शेष कार्य। देखिए 1/3 हो गया और टोटल हमारा कितना है 3, और उसमें से 1 हो गया तो बचे कितने हमारे, माइनस कर देंगे 2/3 भाग। तो देखिए 2/3 भाग। अब देखिए M2 पहले ही 25 दे रखे हैं, M2 नहीं है तो M2 गुणा दिन। देखिए 40 दिन का करने का ठेका लेता है और वो 4 दिन पहले पूरा करना चाहता है कार्य को, और 24 दिन हो चुका वह कार्य। तो देखिए 40 माइनस 4, 4 दिन तो पहले चाहता है वो, 36, और 24 दिन हमारा कार्य यहाँ हो चुका। देखिए 24 दिन बाद, तो 24 इसमें से माइनस कर देंगे हम तो 12, तो हमारा 12 है। और देखिए Work 1 H2 है नहीं, तो वर्क वन कितना दे रखा है, 1/3। तो देखिए अब काट दीजिए, 3 से 3 कैंसिल और 12 से 24 दो बार, 25 दुनी 50, 50 दुनी 100, तो 100 मजदूर आए निकल के हमारे, और 25 उसने मजदूर लगाने हैं। तो देखिए उसने पूछा है कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी 4 दिन पहले कार्य करने के लिए, तो देखिए 25 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 75 मजदूरों की आवश्यकता होगी, मजदूरों की आवश्यकता। आवश्यकता ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों का पर्याप्त भोजन है। 10 दिनों के बाद 50 और विद्यार्थी हॉस्टल में आ जाते हैं, तो भोजन अब कितने दिन चलेगा। देखिए विद्यार्थी दिन, तो 200 विद्यार्थी हैं देखिए, और 50 दिनों के लिए भोजन है, टोटल हमारे कितना है 50 दिनों के लिए, और 10 दिनों के बाद 50 और विद्यार्थी आ जाते हैं। तो जब भी
जितने दिन दे रखे हैं कि उतने दिनों के बाद आते हैं या जाते हैं, तो टोटल दिनों में से उतने दिन हमें माइनस कर देने हैं। तो 50 टोटल हैं और 10 माइनस कर दिए 40, तो दिन हमारे 40। और देखिए क्या कहा उसने, 10 दिनों के बाद 50 और विद्यार्थी हॉस्टल में आ जाते हैं। 200 तो पहले विद्यार्थी थे और 50 उसके बाद और आगे, तो 200 पहले और 50 अब, 250 यानी कि 250 काट दीजिए। देखिए 0 से एक 0 कैंसिल और 25 से 208 बार कट जाएगा और 8 चौक 32। तो अब भोजन कितने दिन, तो भोजन अब कितने दिन चलेगा, 32 दिन चलेगा। ये हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक बैरक में 4000 सैनिकों के लिए 190 दिनों के खाने का स्टॉक है। 30 दिन बाद 800 सैनिक बैरक छोड़कर चले जाते हैं। बताइए बचा हुआ खाना शेष सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चलेगा। देखिए सैनिक दिन, कितने सैनिक हैं, 4000, और मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में आपको बताया है, पहला भी ऐसे ही क्वेश्चन था। देखिए 30 दिन के बाद 800 सैनिक, जितने भी दिन के बाद आते हैं या जाते हैं सैनिक छोड़कर चले जाते हैं, कोई भी व्यक्ति हैं या मजदूर हैं, तो देखिए टोटल दिन में से उन्हें माइनस कर देना है हमें, तो 160। और 800 सैनिक बैरक छोड़ के चले गए, पहले थे 4000, 800 छोड़ के चले गए तो 3200 यानी कि 3200। देखिए 20 से 20 कैंसिल, 8 से 32 चार बार, 8 पन्ना 40 और 4 से 40 बार 160, 40 पंजे 200 यानी कि 200 दिनों तक चलेगा। नोट कर लीजिए, तो 200 दिनों तक चलेगा, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं, यदि 18 व्यक्ति और शामिल हो जाएं तो कार्य 20 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो बताइए शुरुआत में कितने व्यक्ति थे। देखिए व्यक्ति दिन, कुछ व्यक्ति दिन कितने दे रखे हैं, 60, और 18, यदि 18 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, एक्सप्लेन 18 बड़ा लिख देता हूँ, 18, तो 20 दिन पहले समाप्त हो जाता है। देखिए 60 दिनों में होना था, 20 दिन पहले हो गया तो 40, तो 18 गुणा 40, और देखिए कितना 20, इनका अंतर देखिए 20, से 40 दो बार और 18 दूनी 36। तो इसने क्या पूछा है, शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, 36 व्यक्ति थे, ये हमारा
आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है, ओके।